थी बीजेपी सरकार पे मोए गुस्सा आवे। यूपी कांग्रेस कानपुर में हुआ बड़ा ट्रेन हादसा। पूर्वा एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतरे, 30 लोग हुए जख्मी। मालेगांव विस्फोट मामले की आरोपी साध्वी प्रज्ञा को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी नसीहत, कहा शहीद हेमंत करकरे पर कभी नहीं देना चाहिए ऐसा बयान। दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन की उठापटक जारी। एक दिन पहले इनकार के बाद आप ने फिर खोल दी गठबंधन की खिड़की। येदुरप्पा ने देवगौड़ा पर कसा तंज, कहा 7 सीट पर लड़ रहे चुनाव और इच्छा प्रधानमंत्री बनने की। जेडीएस प्रमुख देवगौड़ा ने पीएम बनने को लेकर दिया था बयान। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सीधा प्रधानमंत्री से किया सवाल, कहा क्या वो आतंकवाद के केस की आरोपी के लिए करेंगे प्रचार। ओवैसी ने सीधा पीएम पर लगाया आरोप। नमस्कार, नेशनल लाइव में आपका स्वागत है, मैं हूं अंशुल कौशिक। कानपुर के नजदीक रूमा गांव में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। हावड़ा से दिल्ली आ रही पूर्वा एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये ट्रेन हादसा देर रात 1 बजे हुआ, जब ज्यादातर यात्री गहरी नींद में सो रहे थे। हालांकि इस ट्रेन हादसे में किसी के भी मारे जाने की खबर नहीं है। 50 से 60 यात्रियों को इस हादसे में चोटें आई हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे की वजह से क्या रही अभी तक इस पर से पर्दा नहीं उठ पाया है। रेल मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया कि रिलीफ ट्रेन लगभग 900 यात्रियों को लेकर कानपुर से चल चुकी है। घायलों में से एक को गंभीर चोटें आई हैं। पूर्वा एक्सप्रेस जिस रूमा गांव में पटरी से उतरी वो कानपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। बताया जा रहा है कि 12 में से 4 डिब्बे तो पूरी तरह पलट गए। बड़ी मुश्किल से इन डिब्बों में से यात्रियों को बाहर निकाला गया। इन 4 डिब्बों के यात्रियों को सबसे ज्यादा चोटें आई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी, SSP और अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरी स्थिति का जायजा लिया। कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विजय विश्वास पंत भी घटनास्थल पर पहुंचे। राहत और बचाव कार्य के बीच NDRF की 45 लोगों की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। हादसे के वक्त ट्रेन की रफ्तार करीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है। क्लिपिंग टूटने के चलते ट्रेन की इंजन और 5 बोगियां आगे निकल गई, जबकि 12 कोच डीरेल हो गए। यह हादसा कानपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ है। मौके पर NDRF की टीम तैनात है। ट्रेन हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और रेल प्रशासन अलर्ट पर आ गए। मौके पर NDRF की टीम तैनात कर दी गई है। रेल अफसरों ने बताया कि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। 20 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें आसपास के अस्पतालों में भेज दिया गया है। दुर्घटना स्थल पर 15 से 20 एम्बुलेंस तैनात हैं। हेल्पलाइन नंबर, अगर इस ट्रेन में आप भी का कोई परिजन या कोई अपना सवार था तो आप उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं, आप इन पर कॉल करके अपनों की खैरियत जान सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर जो है वो है 0332640224 और 2640224 और 2641360। दुर्घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी, SSP और अन्य अफसर दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए थे। आपको बता दें कि ये पूरा जो हादसा हुआ है इसमें लगभग 40 से 50 लोगों के घायल होने की सूचना है। मौके पर सभी आला अधिकारी पहुंच गए थे। गनीमत ये रही कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। आपको बता दें कि कानपुर के पास रूमा गांव के पास ये हादसा हुआ है, जो कानपुर से 15 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर तमाम रेलवे के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुँच गए। उन सब लोगों को अस्पताल भेज दिया गया है। यहाँ पे CMO एंड टीम, DMO टीम और पुलिस की सभी टीमें यहाँ पर हैं।
हम लोग यहाँ पर से एक मेन चैलेंज जो है हम लोग के पास कि जो भी पैसेंजर थे उनको सेफली यहाँ से रेलवे स्टेशन कानपुर भेज दें। कानपुर में स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है, वहाँ के माध्यम से इन लोग को दिल्ली। बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की उठापटक जारी है। दोनों दलों की ओर से गठबंधन से इनकार करने के बाद एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने गठबंधन की खिड़की खोल दी है। आपने कांग्रेस को दिल्ली में 4-3 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने के लिए हरियाणा की 10 सीटों पर गठबंधन का नया प्रस्ताव भेजा है। आपके प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने एक बार फिर पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि हम आखिरी वक्त तक गठबंधन का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए हम दिल्ली में 4-3 के फॉर्मूले पर तैयार हैं, लेकिन उसके लिए कांग्रेस को हरियाणा में गठबंधन की में सीटें बंटवारे के नए फॉर्मूले 7-2-1 पर तैयार होना होगा। दरअसल आम आदमी पार्टी पहले हरियाणा की 10 संसदीय सीट में से 4 सीटों की मांग कर रही थी, इसमें 3 जेजेपी और 1 अपने लिए। मगर गुरुवार को गठबंधन की उम्मीद खत्म होती देख पार्टी एक बार फिर शुक्रवार को अपना रुख नरम करते हुए हरियाणा में एक और सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। चलिए आपको एक बड़ी खबर बता दें जो आ रही है लखनऊ से। प्रमोद कृष्णन ने ट्वीट किया है, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रमोद कृष्णन, कांग्रेस को कोसते कोसते अंधे हो गए हैं लोग। एक ट्वीट किया है, हेमंत करकरे अमर शहीद और भारत माता का जाबाज सबूत है, हेमंत जैसा जाबाज सबूत नहीं हो सकता। प्रमोद कृष्ण कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उन्होंने ट्वीट कर कांग्रेस को घेरते हुए कहा है कि कांग्रेस को कोसते कोसते लोग अंधे हो गए हैं, विपक्ष पर निशाना साधा है। हेमंत करकरे अमर शहीद और भारत माता के जाबाज सबूत है, हेमंत जैसा जाबाज सपूत भी तुम्हें गद्दार लगता है, सीधा सीधा आरोप लगाया है। पूरा प्रकरण चल रहा है 2 दिन से। साध्वी प्रज्ञा जो बीजेपी के प्रत्याशी है, मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ रही है, दिग्विजय के सामने उनको सीधा निशाना साधते हुए प्रमोद कृष्ण ने ट्वीट कर कहा है हेमंत करकरे जैसा जाबाज सपूत कोई हो ही नहीं सकता। प्रमोद कृष्णन लखनऊ से उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कोसते कोसते लोग अंधे हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऋषभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ, लगातार ये प्रकरण चलता आ रहा है हेमंत करकरे को लेकर, दोबारा राजनीति शुरू हो गई है, कितनी सही ये राजनीति है? जी, आपको बताना चाहेंगे कि पहले भी आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहा है, नेताओं ने अपनी मर्यादा को लांघ चुके हैं। कहीं ना कहीं ये देखने लायक है कि जैसे ही चुनाव आते हैं तो नेताओं की भाषा जो है वो बदल जाती है, कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप के चलते अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, किसको क्या कहना है, कब क्या कहना है, ये सब भूल जाते हैं, शहीदों पर भी राजनीति करने लगते हैं। हमने पीछे देखा, चुनाव का दौर चल रहा है, लगातार जो जो पक्ष है और विपक्ष है दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रहा है, लेकिन जो शहीद है देश के, जो जाबाज सबूत है, जवान है, उनको लेकर राजनीति ये शुरू हो चुकी है, तो राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है? जी बिल्कुल, ये मान लिया जाएगा कि कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर गिरा है, और आरोप प्रत्यारोप के दौर पर इस राजनीति को लेकर जिस तरीके से सेना को बीच में लाया जा रहा है, सेना के जवानों को बीच में लाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं गलत है, और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों में रोष है और शहीदों के परिवारों को रोष है। जनता का जो रुख है अब वो उस पर बदलाव आ रहा है लगातार, तो क्या पूरे प्रकरण के बाद जनता के रुख में कुछ बदलाव आएगा चुनाव को लेकर? हेलो ऋषभ, आपको हमारी आवाज मिल रही है? ऋषभ, लगातार जो ये राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है, जो वोटर है, जो आम जनता है, लगता है ऋषभ से हमारा संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि लगातार ये प्रकरण बना हुआ है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने लगातार हेमंत करकरे जो कि मुंबई हमलों में शहीद हुए थे उनको लेकर कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिसके चलते प्रमोद कृष्ण ने ट्वीट करके तमाम उन पर निशाने साधे हैं। चलिए रुक कर रहे हैं दूसरी खबर का, इससे ही जुड़ी हुई है इस खबर से। साध्वी प्रज्ञा के बीजेपी में शामिल होने और भोपाल से चुनाव लड़ने को लेकर उठ रहे सवालों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है।
पीएम मोदी ने कहा है कि जब एक साध्वी को प्रताड़ित किया जा रहा था तब किसी ने इसका विरोध नहीं किया और ना ही किसी ने सवाल पूछा। पीएम मोदी ने कहा कि जब 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तब उनके बेटे ने कहा था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो पृथ्वी हिलती है। इसके बाद हजारों सिखों का नरसंहार हुआ, क्या यह कुछ लोगों के जरिए फैलाया गया आतंक नहीं था? इसके बावजूद उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, तब मीडिया ने कभी ऐसा सवाल नहीं पूछा जैसा वह अब सवाल पूछ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एक महिला और एक साध्वी को इस तरह प्रताड़ित किया गया तब किसी ने उंगली नहीं उठाई। मारे गए आतंकी के बारे में बताया जा रहा है कि वह विदेशी हो सकता है। इस आतंकी के पास से एक पिस्टल और दो ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना की गश्ती दल पर आतंकवादियों ने हमला किया है। बारामूला के रफियाबाद इलाके में किए गए इस हमले के बाद सेना ने जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया, दूसरे आतंकी के इलाके में छिपे होने की खबर है। उस आतंकी की भी तलाश में ऑपरेशन जारी है। 32 राष्ट्रीय राइफल की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकवादियों ने कल देर रात हमला कर दिया था। बताया जा रहा है कि सेना की गश्ती दल पर 2 से 3 आतंकवादियों ने हमला किया, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में सेना के जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया, लेकिन बाकी बचे आतंकी बाहर निकलने में कामयाब हो गए। आतंकवादियों से एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। आज सुबह सुरक्षा बलों ने एक बार फिर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मारे गए आतंकी के बारे में बताया जा रहा है कि वह विदेशी हो सकता है। इस आतंकी के पास से एक पिस्टल और ग्रेनेड बरामद हुए हैं। हालांकि जो फरार आतंकी है उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार और मालेगांव विस्फोट मामले की आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एटीएस के प्रमुख रहे शहीद हेमंत करकरे पर विवादित बयान नहीं देना चाहिए। प्रज्ञा इस बयान को लेकर विवादों में है कि करकरे की मुंबई हमले के दौरान इसलिए मृत्यु हुई क्योंकि उन्होंने मालेगांव विस्फोट मामले की जांच के दौरान उन्हें यातनाएं दी, उन्हें श्राप दिया गया था। इस मामले की जांच के दौरान करकरे राज्य आतंकवादी विरोधी दस्ते के प्रमुख थे। सीएम ने कहा कि शहीद करकरे बहुत बहादुर और तेज तर्रार पुलिस अधिकारी थे और उन्हें हमेशा शहीद के तौर पर याद किया जाएगा। साध्वी प्रज्ञा की टिप्पणी उनकी निजी राय हो सकती है, हम इसका समर्थन नहीं करते। उन्होंने कहा उन्होंने माफ़ी भी मांगी है और कहा है कि यह व्यक्तिगत बयान है। हालांकि मुझे लगता है कि इस तरह के बयान कभी नहीं दिए जाने चाहिए। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां सदर कोतवाली का रहने वाला उदेश दीक्षित 500 के कई नकली नोट शहर की दुकानों पर देकर सामान खरीद रहा था कि जागरूक एक दुकानदार ने नकली नोट की पहचान कर ली और चुपके से पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने जब उस व्यक्ति को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे शहर के मोहल्ला गोपाल सिंह निवासी शिवम वर्मा और नितिन पटेल ने यह आधे दाम पर चलाने के लिए दिए थे। पुलिस ने डोरीलाल फाटक में नितिन पटेल के घर छापा मारा। घर में 2 प्रिंटर, इंक की बोतलें, ट्रेसिंग पेपर, हरी पट्टी और नोट के प्रिंट के सैंपल समेत नोट छापने की कई सामान बरामद हुए। साथ ही 500 के 17 नोट, 200 के 11, 100 के 4 और 50 का एक नोट बरामद हुआ। यह सभी नोट नकली थे। चुनाव के समय नकली नोटों के इस धंधे की खबर पर पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस ने नितिन पटेल की पत्नी सपना पटेल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका पति नितिन पटेल और उसका साथी शिवम फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस की माने तो इस गैंग के लोग नकली नोट बनाकर लोगों को आधे दाम पर बाजार में चलाने के लिए देते थे। फिलहाल पुलिस फरार 2 अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है। ये क्या कार्रवाई की गई है? ये यशवंतरी देवी में मेला चल रहा है। इस मेले में एक लड़का नकली नोट को चलाने का प्रयास कर रहा था, तो दुकानदारों ने इसको पकड़ लिया था, तो पुलिस को सूचना दी गई। इसको जांच पड़ताल के द्वारा पाया गया कि एक नितिन पटेल नाम का आदमी अपने घर में प्रिंटर लगा के इसको छपवाता था, तो प्रिंटर बरामद हो गया है और गिरफ्तारी भी हुई है। कुछ नकली नोट जो उन्होंने छापा उस प्रिंटर के द्वारा स्कैन करके वो भी मिला है, और कलर प्रिंटर ये भी मिला। सर,
पे गया है। यूपी के फतेहपुर जिले की खागा कोतवाली क्षेत्र के टाउन हॉल में केशरवानी वैश्य सभा के बिना दहेज के 20 जोड़ों की शादियां करवाई। केशरवानी वैश्य महासभा विगत कई वर्षों से बिना दहेज की शादियां करवाता रहा है। दो दिवसीय केशरवानी वैश्य सम्मेलन का आयोजन किया जाता है यहां पर, जहां पूरे प्रदेश के केशरवानी समाज के लोग इकट्ठा होकर दहेज रहित शादियां कराते हैं। वहीं नव दंपति ने बताया कि आज के समय में दहेज लोभी शादी के पहले भारी भरकम पैसों की मांग करते हैं, लेकिन केशरवानी सभा दहेज के खिलाफ रहता है और हर साल सम्मेलन कराकर गरीब परिवारों को जोड़ने का काम करता है। वहीं वैश्य समाज के सभा के अध्यक्ष ने बताया कि केशरवानी वैश्य सभा पिछले कई सालों से यहां सम्मेलन कराकर बिछड़े हुए परिवारों को मिलाता रहता है। मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का है, जहां कचहरी गेट के सामने बने मैरिज लॉन में शादी समारोह में डीजे बंद कराने गई पुलिस से दबंगों ने अभद्रता करना शुरू कर दिया। पुलिस के साथ हुई अभद्रता की सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को लगी तो मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई, जहां पुलिस फोर्स को देख दबंग भाग खड़े हुए। पुलिस के साथ अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही पुलिस ने मैरिज लॉन मालिक, डीजे संचालक सहित 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दबंगों की तलाश में जुट गई है। वहीं क्षेत्राधिकारी कपिल देव मिश्रा ने बताया कि शादी समारोह के दौरान डीजे बजाए जाने की सूचना डायल 100 पुलिस को मिली थी। जहां पुलिस कर्मी डीजे बंद कराने पहुंचे तो वहां के कुछ लोगों ने डीजे बंद करने का विरोध किया। इस संबंध में थाना कोतवाली पर चौकी इंचार्ज कचहरी विवेक द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है कि जब वह रात्रि में 10:30 बजे के आसपास एक डीजे को बंद कराने के लिए गए तो वहां पर मौजूद लोगों ने डीजे बंद करने से मना किया। वो लोग मेन रोड भी जाम कर रखे थे जिससे आवागमन अवरुद्ध था और पुलिस के कार्य में बाधा डालते हुए उन लोगों ने डीजे वाले को भगा दिया। इस संबंध में मैरिज हॉल संचालक और डीजे संचालक तथा कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध। गाजियाबाद के थाना मसूरी के गांव इकला में 15 अप्रैल को ही बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। दरअसल रामवती नाम की महिला का शव उसके खेत में मिला था और देखने पर लग रहा था कि किसी भारी चीज से महिला की हत्या कर दी गई है। एसपी देहात नीरज जादौन ने बताया कि महिला के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से महिला की हत्या की पुष्टि हुई थी। पुलिस का पहला शक मृतक महिला के परिजनों पर ही गया था। परिजन बिना किसी को बताए महिला का अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। गांव प्रधान ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया तो महिला का बड़ा बेटा ही पुलिस के शक के दायरे में आ गया और खुलासे में साफ हुआ कि मृतक महिला के बेटे भगत सिंह ने ही अपनी माँ की हत्या की थी। फिलहाल पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट गई है। रात को सूचना मिली थी पुलिस को कि इकला गांव में एक वृद्ध महिला लगभग 65 साल उम्र की, इसकी हत्या कर दी गई है। तो पुलिस मौके पर पहुंची, क्राइम सीन का निरीक्षण किया पुलिस ने, उसके बाद मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया। अगले दिन इन्वेस्टिगेशन किया गया तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसके जो बड़ा लड़का है भगत सिंह, उसने स्वीकार किया कि उसने पैसे के लालच में अपनी माँ की हत्या की। खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से। टीकरी गांव के शेरा मौर्य के खेत के समीप नाले में 2 बेशकीमती मूर्तियां ग्रामीणों ने देखी। मूर्तियां मिलने की सूचना मिलने पर पहुंचे तहसीलदार चंद्रशेखर यादव ने मीडिया को बताया कि टीकरी गांव के पास एक नाला बन रहा है, उसमें से 2 अष्ट धातु की मूर्तियां मिली हैं जिनकी सूचना ग्रामीणों ने खागा इंस्पेक्टर को दी। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो ग्रामीणों ने मूर्तियों को वहां से ले जाकर पूजा अर्चना की तैयारी शुरू कर दी, जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और कोतवाली ले आई। कस्बे से स्वर्णकार को बुलाया गया और उसने बताया कि यह मूर्तियां अष्ट धातु की हैं। स्वर्णकार के बताने के हिसाब से मूर्तियों की कीमत 1 करोड़ बताई गई है। गांव से किसी ग्रामीण ने इंस्पेक्टर खागा को ये सूचना दी कि वहां पे 2 मूर्तियां बरामद हुई हैं। शेरा मौर्य के खेत के पास एक नाला बहता है, उसके पास मूर्तियां मिली हैं। उसमें इंस्पेक्टर खागा वहां पे पहुंचे तो लोग गांव के लोग मूर्तियाँ उठा ले जाकर पूजा की तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग पुलिस पास मूर्ति की तैयारी कर रहे थे,
दो मूर्तियां हैं उठा के लाई गई, हमें भी सूचना दी गई, मैं भी थाने पहुंच। कुशीनगर के पडरौना के उदित नारायण डिग्री कॉलेज के मैदान में आयोजित विजय संकल्प युवा सम्मेलन को संबोधित करने यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंचे, जिनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जनसभा में पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। वहीं इस मौके पर दिनेश शर्मा ने कहा कि भाजपा की सरकार बगैर किसी जाति और धर्म का भेदभाव किए सबका विकास करती है। चुनाव में एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है तो दूसरी संसद में आंख मारने वाले लोग हैं जिनकी हरकत देख बच्चे भी हंसेंगे। साथ ही दिनेश शर्मा ने उमर अब्दुल्ला के साध्वी प्रज्ञा के जमानत रद्द कराने वाले बयान पर कहा, जो लोग पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, जो जम्मू कश्मीर के विभाजन की भाषा बोलते हैं, जो 370 हटाने पर कश्मीर चला जाएगा ऐसी भाषा बोलते हैं, उसको ये कहने का हक नहीं है। बीजेपी ने जिसको भी खड़ा किया है सब राष्ट्रवादियों को प्रत्याशी बनाया है। वहीं लखनऊ लोकसभा सीट से सपा के पूनम सिन्हा के प्रत्याशी बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सपा बसपा के को लखनऊ से कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, उनको इतनी शर्म आ रही थी कि वो बिहार से एक प्रत्याशी लाए और कांग्रेस मध्य प्रदेश से प्रत्याशी लाई, ये लोग लखनऊ आकर क्या मुकाबला करें। मुझको तो लगता है सपा के पास में लखनऊ से कोई प्रत्याशी ही नहीं मिल पा रहा था, सपा बसपा और कांग्रेस के पास में उनको इतनी शर्म आ रही थी कि लखनऊ से ना करके वो बिहार से एक जगह प्रत्याशी लाए और दूसरा प्रत्याशी कांग्रेस लाई मध्य प्रदेश से, तो ये लोग आके लखनऊ में क्या मुकाबला करेंगे। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज ना मोदी जी के खिलाफ कोई प्रत्याशी मिल रहा था, ना राजनाथ सिंह जी के खिलाफ मिल रहा था। अमेठी, रायबरेली, कन्नौज और आजमगढ़ ये जो वीआईपी सीटें बनी थी, अब की ये सब हारने जा रही है। ये हिंदुस्तान कैसे चलेगा जो पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर देखता है उमर अब्दुल्ला, वो बताएंगे। ये हिंदुस्तान राष्ट्रवादियों के द्वारा चलाया जाता है, ये पाकिस्तानवादियों के द्वारा नहीं चलाया जाता। जो लोग पाक की भाषा बोलें, जो कश्मीर के विभाजन की भाषा बोलें, जो 370 को हटाने पर देश में कश्मीर चला जाएगा इसकी भाषा बोलें, जो ये कहें कि हम दूसरा वजीर आजम यहाँ पर बना देंगे इसकी धमकी दें, उनको कोई हक नहीं है इस प्रकार का कहने का। बीजेपी ने प्रत्याशी जिनको भी खड़ा किया है सब राष्ट्रवादियों को प्रत्याशी बनाया। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन लाइव। कैसा चल रहा आपका समय चक्र, राशि फल में देखिए ग्रह चार, सिर्फ नेशन लाइफ पर। कितना पैसा? 200 रुपया मैडम जी। अच्छा 200 रुपया, ये लो। अरे दादा रे, इतना महंगाई, हर चीज पर टैक्स बढ़ाए जाते हैं। सच कही, अब तो हमका बहुत ही गुस्सा आवत है। और लियो ई पढ़ो, आज देश मा हर रोज बलात्कार हो रहे हैं। अब तो हम सब डिरात हैं आपन बेटवन के बाहर भेजे मा, आखिर उन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी भला के ले। अरे का की हिसाई भाजपा सरकार, कौनो हिसाब है इनके लगे पिछले 5 साल के? ई दाई वोट मांगे खातिर उनका आए दियो हमरे लगे, ई दाई तो हिसाब हम मांगा उनसे। हाँ, यूपी कांग्रेस। जब दबने लगे आम आदमी की आवाज, जब ना पहुंचे आपकी आवाज सत्ताधारियों के कानों तक, आपकी समस्याएं जब होने लगे दरकिनार, कानून की अंधी गलियों में जब दम तोड़ने लगे इंसाफ, जब किसी से ना रहे कोई आस, तब हम बनेंगे आपकी आवाज। क्योंकि अब जनता मांगे जवाब, देखिए जनता मांगे जवाब जल्द नेशन लाइव पर। गुस्सा आवे जब मेरी फसल को मैं पूरा पैसा ना मिल पावे, गुस्सा आवे
जब मंडी में बैठो बिचौलिया मेरे पैसा खा जावे, गुस्सा आवे। जब कर्ज में डूबो एक किसान बहुत कुकले लगावे, गुस्सा आवे। जब मुआवजे के लिए मोए हाथ फैलाने पड़े, अरे मोए गुस्सा आवे। जब मेरे किसान भाइयों पे कोई गोली चलावे, मैं हिंदुस्तान का किसान हूं और जा दिल्ली में बैठी बीजेपी सरकार पे मोए गुस्सा आवे। यूपी कांग्रेस। आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। गुस्सा आते जब बेमतलब की नोटबंदी को असर आ जाऊ मेरे काम में आते, इस जीएसटी के चक्कर में हर महीना मोए उलझाओ जाते। अरे गुस्सा आते जब भाजपा वालन की तरफ से कुछ नेता करोड़न को घोटाला करके भाग जाते हैं और हम जैसे छोटे व्यापारियों को कर्ज लेना मुश्किल पड़ जाते, और हद तो तब हो जाते जब भाजपा वाले आयोजनों के नाम पे चंदा मांगने के लिए आते हैं। मैं जा देश को नागरिक हूँ और मोए जब भाजपा सरकार पे गुस्सा आते। यूपी कांग्रेस। आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अति रविहारी। पहाड़ों की पीड़ा, मैदान की वेदना, सरकार और राजनीति से जुड़ी उत्तराखंड की हर रोज छोटी बड़ी खबर। जिससे हो आपका सरोकार, हर खबर हर पल केवल नेशन लाइव पर। अन्याय मिटाने के लिए उठा मैं एक तूफान हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ। अब होगा न्याय, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ। अब होगा न्याय। बदल रहे हैं हम, बदल रहे हैं आप, तो क्यों ना बदले खबरों का मिजाज। खबरों की दुनिया में नेशन लाइफ का दमदार आगाज, हिंदुस्तान की बदलती राजनीति से लेकर बदलते दौर की पूरी खबर, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। राजनीति के तीखे सवालों से लेकर आम आदमी के सरोकार से जुड़ी हर खबर, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से खबरों को आप तक पहुंचाएंगे हम, क्योंकि हम हर पल है आपके साथ। पसीना खून पसीना लगड़ के सीना लाया खून पसीना, रुक के थक के अकड़ के झुक के ऐसे है चलना, खोल के चलना। पसीना खून पसीना लगड़ के सीना लाया खून पसीना पसीना।
Combat Sports Shoes brings out the best in you. हर खबर का मतलब ब्रेक। आवाज तो सब उठाते हैं, लेकिन समाधान कौन बताएगा? समस्याएं तो सब गिनवाते हैं, लेकिन उनका हल कौन बताएगा? खबर तो सब दिखाते हैं, लेकिन उनकी तह तक कौन जाएगा? आपके इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ रहे हैं हम चल नेशन लाइफ पर, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। हम आपको एक बार फिर लेकर चल रहे हैं एक ऐसे खूबसूरत सफर पर जिसका नाम है सैर उत्तराखंड की। इस सफर में आप उत्तराखंड के उन अद्भुत और अनमोल नजारों का दीदार कर पाएंगे जो उत्तराखंड को खास से भी खास बना देते हैं, और जिन्हें देखकर आपके भी बस यही लफ्ज होंगे कि धरती का स्वर्ग उत्तराखंड। तो करते हैं अपने एक हसीन सफर की शुरुआत, जिसमें आप कुमाऊं में कुदरत की बिखेरी हसीन नियामत का दीदार करेंगे। और केवल खूबसूरती ही नहीं, बल्कि सफर में आप आस्था को भी इतने करीब से महसूस करेंगे कि ये सफर आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और यादगार सफर होगा। इस बार हम आपको लेकर चल रहे हैं ओम पर्वत, आदि कैलाश, पार्वती सरोवर, गौरीकुंड और सुदूर बसे पहाड़ के छोटे छोटे खूबसूरत गांवों की सैर पर। हमारे इस सफर की शुरुआत होगी धारचूला से, जो कि पहाड़ में बसा छोटा सा एक खूबसूरत शहर है। धारचूला आप अल्मोड़ा से बागेश्वर होते हुए पहुंच सकते हैं, और पिथौरागढ़ से भी धारचूला आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये सफर आप अपनी गाड़ी या टैक्सी से बड़े आराम से तय कर सकते हैं। हाँ, रास्ता थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन रास्ते की खूबसूरती इस सफर में इस कदर समा जाती है कि आप बस रास्ते में फैली अद्भुत सुंदरता को ही निहारते रहेंगे। सुहाना मौसम और शांत वादियाँ दिल को इतना सुकून देती हैं कि आप इस सफर के हर खूबसूरत पल को एक गुदगुदाहट भरे एहसास के साथ जीना चाहेंगे।
रास्ते के किनारे लंबी कतारों में लगे पेड़, हरी भरी पहाड़ियाँ, ठंडी हवा की सरसराहट और टेढ़े मेढ़े रास्ते इस सफर में हर रंग भर देते हैं। इतना ही नहीं, इस रास्ते में बिखरे हजारों झरनों से जब आप गुजरते हैं तो शरीर का रोम रोम इन झरनों की रिमझिम फुहारों से गदगद हो जाता है और यही चाहता है कि ये नज़ारे कभी आंखों से ओझल ना हो, क्योंकि ये झरने हैं ही इतने खूबसूरत जिनका कोई जवाब ही नहीं। और खास तौर से इनका पहाड़ियों से गिरने का अंदाज कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में पिरो पाना काफी मुश्किल है। बस आंखें ही इन नजारों की खूबसूरती को महसूस कर सकती हैं। रास्ते में बिखरी असीम खूबसूरती का लुत्फ उठाते उठाते कब धारचूला पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। इस वक्त हम खड़े हैं धारचूला में, जो पिथौरागढ़ जनपद की तहसील है। ये पिथौरागढ़ से बाय रोड वेल कनेक्टेड है। पिथौरागढ़ से धारचूला का सफर आप अपनी गाड़ी में 3 घंटे में आराम से पूरा कर सकते हैं। धारचूला कारी रिवर के किनारे बसा हुआ है, जिसके उस पार नेपाल है। धारचूला चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा खूबसूरत शहर है। इस शहर के बराबर में बहती काली नदी इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती है और ये शहर हर पल काली नदी की कलकल की मीठी आवाज से गूंजता रहता है। यहाँ की वादियाँ इतनी शांत हैं, इसे महसूस कर दिल में एक जैनो सुकून सा छा जाता है। धारचूला के उस पार नेपाल है, जहाँ धारचूला से पुल पार करके पहुंचा जाता है।